दिल्ली के 11,500 करोड़ डूब गए देश के, लेकिन सरकार को पता नहीं कि देश को इतना बड़ा चूना लगाने वाला शख्स, लूटने वाला शख्स नीरव मोदी है कहां। एबीपी न्यूज नीरव मोदी को ढूंढ रहा है। क्या इसी गंभीरता से केंद्र सरकार भी उन्हें ढूंढ रही है, हर उस ठिकाने पर जो देश में या विदेश में, मुंबई, गुजरात, बेल्जियम, हर उस जगह पर एबीपी न्यूज पहुंच चुका है जहां नीरव मोदी या तो रहा है या रह सकता है। हालांकि कहीं पर भी नीरव मोदी नहीं मिला है। ये देखिए तीन तस्वीरें, राणावास की गलियां बनासकांठा की, बेल्जियम में उनका घर, एक साल से अंटवर्प नहीं पहुंचे हैं, मुंबई का उनका घर ग्रॉसवेना हाउस में। तो एबीपी न्यूज अपनी भूमिका को समझते हुए ये प्रयास लगातार कर रहा है, मगर जब सरकार के प्रवक्ता से पूछा जाए तो उनके पास जवाब नहीं होते, और जो जवाब हैं वो इस वक्त मीडिया के अलग अलग संस्थानों से ही उभर कर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कई जगह पर उनके होने की भी बात की जा रही है, और एबीपी न्यूज जैसा कि आप देख सकते हैं तमाम जगहों का रुख कर रहा है और पता करने की कोशिश कर रहा है। और नीरव मोदी का जन्म स्थान गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर में है। पालनपुर में आज भी उसका जो परिवार है वहां रह रहा है, उनके परिवार का घर है वो। पालनपुर के राणावास की गलियों में नीरव मोदी के दादा मफतलाल मोदी रहते थे। हालांकि अब उस जगह पर दुकानें बन गई हैं, वहीं पर पापड़ का बिजनेस होता था। नीरव मोदी का बचपन यहीं पालनपुर की गलियों में गुजरा था। नीरव मोदी 7 साल के थे जब उनके पिता बिजनेस के सिलसिले में पालनपुर छोड़ के मुंबई चले गए थे और वहीं बस गए थे। तो यह है बनासकांठा के राणावास जहां पर उनका बचपन गुजरा, नीरव मोदी का बचपन गुजरा। मगर जाहिर सी बात है कि जो शख्स भारत में नहीं है, एंटवर्प में उसे ढूंढने से नहीं मिल पा रहा, तो यहां पर वो कैसे हो सकता है। तो जो लोग यहां रह रहे हैं इस वक्त राणावास में, उनकी क्या यादें हैं नीरव मोदी को लेकर, उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमने जब देखे तो ये मालूम हुआ कि यहाँ इन लोगों ने 11.5 करोड़ की जो लोन ली है, वैसे तो हमें मालूम नहीं, हम यहाँ 15 साल से यहाँ रहने आए, मगर लोगों के जबानी ऐसा सुना है कि यहाँ जो रहा करते थे ये लोग पापड़ बेचकर और अपना गुजारा चलाते थे, और फिर बाद में ये भी मालूम हुआ कि ये लोग बाहर फॉरेन में हैं और बहुत अच्छी शख्सियतों में से हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लिहाजा हम उनका बड़े रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन आज मालूम ये हुआ है कि ये जो कुछ हुआ है ये अब हमें ये मालूम हुआ है, लिहाजा हम इतनी उम्मीद ज़रूर करते हैं कि आज ऐसे ऐसे जो मकान हैं उनकी गवर्नमेंट से हम ये भी अपील ज़रूर करेंगे कि अगर ऐसी इंक्वायरियाँ होती रहें तो देश के अंदर जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है वो हमारे सामने आ सकता है। ये मकान नीरव के दादा का है, बहुत वर्षों से पहले यहाँ रहते थे, अब तो यहाँ नहीं रहते, अब तो धंधार के विकास के जो हीरा बाजार के इस सब बॉम्बे चले गए सब लोग। ये कितने टाइम से बंद मकान पड़ा है, कभी कभी आते जाते रहते उनके घर परिवार वाले। वर्षों पहले देखा था, क्योंकि मैं वर्षों पहले की बात है, मैंने पहले देखा था वो हीरा बाजार में है ऐसा सुना है। समग्र देश में जो अभी चकचार चल रही है नीरव मोदी नाम की, जो नीरव मोदी जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ 11,500 करोड़ की छेतरपिंडी की है, ये उसका उनका मकान है पालनपुर में आया हुआ है। पालनपुर में ये उनका परिवार रहता था, ये भी रहता था, उसका पिता यहाँ पापड़ बेच के उसका परिवार चलाता था, बाद में वो धंधा के लिए मुंबई सेट हुआ, मुंबई में हीरा जवेहरात के धंधे में पूरी देश में नामना जगाई, विदेश में भी उसने नामना जगाई, और अभी उसका नाम जब ये आया है कौंभाड़ में चूना लगाने में जब नाम आया है, तब यहाँ का लोगों भी अचंबा में पड़ गया है कि नीरव मोदी और उसका परिवार ऐसा नहीं कर सकता, मगर क्यों ऐसा हुआ है। ये परिवार भी यहाँ लोगों भी अचंबा में पड़ गए हैं। भरत सुंदेसा, एबीपी अस्मिता, बनासकांठा। और एबीपी न्यूज पर कहाँ है नीरव मोदी इसको लेकर कवरेज लगातार जारी है। हमने हर उस जगह की पड़ताल की जहां वो उसका ठिकाना हो सकता है, जहां उसके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, और अब हम रुख करने वाले हैं लंदन का, और लंदन की हम आपको तस्वीर बताएंगे, नीरव मोदी का घर और नीरव मोदी का दफ्तर। जी हां, बेल्जियम में एबीपी न्यूज संवाददाता पूनम जोशी उस घर पहुंची जहां नीरव का बचपन गुजरा, जहां उनके माता पिता रहते हैं। क्षमा चाहेंगे, दरअसल बेल्जियम की तस्वीर है, लंदन की नहीं है। काफी बड़ा घर है, पॉश इलाका, एंटवर्प में घर है। घर का नाम है 44।
इस इलाके में बेल्जियम के सबसे अमीर लोग रहते हैं, काफी बड़ा घर है। दूर से उनका ड्राइंग रूम दिख रहा है, देखा जा सकता है, कांच का ग्लास है, किताबें भी नजर आती हैं, बड़ा सा टेलीविजन लगाया गया है, कोई बैठकर टेलीविजन देख रहा था, चैनल बदल रहा था, लेकिन कौन था ये पता नहीं चल पाया। जाहिर सी बात, अगर जो अंदर मौजूद है वो परिवार का सदस्य ही हो सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।